बताना चाह रहे हैं? आज का हमारा मॉडल है वायु दाब प्रदर्शन। वायु का? वायु दाब प्रदर्शन। वायु दाब प्रदर्शन। मैच ठीक है। नाम उसका बच्चे का? सचिन कुमार है। वायु दाब मापक का प्रयोग करते हुए मैंने मॉडल तैयार किया है। जैसे कि बड़ी बोतल को पानी में हम डालते हैं, तेज निकल रहा है। इसकी जो हवा है ये पिस्टन की तरह कार्य करती है, तो इसके ऊपर जो इलाके पिस्टन ऊपर को दबाव मारता है, इसे बढ़ता है। इसका उपयोग हम घरों में खुशियाँ हो, पार्टी, जन्मदिन, किसी प्रकार खुशी हो, इस मॉडल द्वारा गुब्बारे फुला सकते हैं और घरों में सजा सकते हैं। हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, वायुमंडलीय दाब कितना होता है? जैसे कि हम इसे दबाते हैं तो ऊपर को होता दाब की इकाई क्या है? यूनिट किस चीज में मेजर करते हैं दाब को? किलोग्राम। किलोग्राम। अच्छा, इसमें एयर कहाँ से आ रही है? अभी आप जो कह रहे हैं ना, ये आप तो पानी भर रहे थे, वो पानी तो गया नहीं है और वो फूल गया है, वो हवा कहाँ से आई है? ये जो इसके अंदर की बोतल में हवा जो रहती है ना, वो इसके अंदर एक पिस्टन की तरह कार्य करते हैं। इसमें मुंह द्वारा ऊपर जाते हैं, इफेक्ट होते हैं, इसमें जो बना है इसमें भर के फूल जाते हैं। अच्छा, इस एयर को हम मेजर कर सकते हैं कि कितना इसका वेट था? कैसे? ये इसका ये जो 2.5 किलो होता है, ये इसे 50 ग्राम के आपकी का सिद्धांत क्या है? एफ इक्वल एम बटे ए। थ्योरी, परिभाषा? पृथ्वी की इकाई सतह पर वायुमंडल द्वारा लगाए गए बल को वायु का। मैं आर्किमिडीज का सिद्धांत पूछ रहा हूँ, इसमें कहीं आर्किमिडीज के सिद्धांत का प्रयोग हो रहा है? आपका मॉडल बहुत अच्छा है, तो उसको कोरिलेट कर दो, समझे? आर्किमिडीज का एक सिद्धांत है, जब कोई वस्तु किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाई जाती है, ठीक है, तो उस वस्तु के भार में कमी होती है। यह भार में कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा के बराबर होती है, ठीक है। तो जब आपने इस पर डुबाया तो जितना पानी इसमें इंटेक किया उतना ही प्रेशर आपकी वायु में आया, तो आप अगर उस द्रव की मात्रा को कैलकुलेट कर सकते हैं तो वायु की मात्रा को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वायु तो उतनी ही आएगी जितनी उसमें द्रव का इंटेक हुआ, ठीक है ना। तो जब आप दो की थ्योरी को लेकर चल रहे हैं तो दोनों का ही बढ़िया होगा, ठीक है ना। शाबाश, कोई बात नहीं, थ्योरी को जरूर पढ़ो। अच्छा, कैसे करेंगे? तो आपका मानव कल्याण में प्रयोग हुआ है? एक्टिवेट कर रहे हैं जी? सतनाम मैम। सतनाम मैम, ठीक है, समझ गया। और प्रिंसिपल मैडम कौन है? सर मनु भाटिया। क्या सब्जेक्ट है उनका? सर साइंस। साइंस, आप बताओ अपने मॉडल के बारे में। मैं मॉडल बेस्ड ऑन रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रहा हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि वाटर हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बट हमारी लापरवाही की वजह से बहुत ज़्यादा कमी होती जा रही है वाटर में। तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम वाटर को किस तरीके से कंजर्व करें, तो इस वजह से हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाते हैं। रेन, जब रेन होती है तो एक रूफ टॉप में रेन कलेक्ट हो जाती है, उसके बाद हम एक स्टोरेज टैंक बनाते हैं, उसके अंदर वाटर स्टोर हो जाता है, उसके बाद वाटर फिल्टर होता है। मैम, क्योंकि डस्ट वाटर ऊपर से तो साफ सुथरा होता है, बट डस्ट वगैरह की वजह से वाटर फिल्ट्रेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद ये वाटर सप्लाई टैंक में जाता है और वर्क में आता है हमारे डोमेस्टिक वर्क में। मैम, हम प्लेटफॉर्म इस तरीके से बनाते हैं ताकि हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े, पहले बड़ा फिर उससे छोटा, जो छोटा स्थानीय आसानी से चला जाए और हमारे काम में आए। वाटर हार्वेस्टिंग है? यस सर। आप कैसे मेजर करते हैं इसको कि हमारा इतना ड्रेन आउट निकलेगा, उसके लिए क्या कैलकुलेशन है, बताया आपको? जो आपके दिमाग में, आप बताओ। बहुत ज्यादा बारिश होगी और हमारा जो ऊपर टैंक है वो आउटलेट हमारा उस इतना नहीं था और उस टैंक का ही इतना लबाला वो भर गया कि हमारी क्षति भर गई। तो हम कैसे कंट्रोल करेंगे, क्या उसका क्या तरीका होगा? सर, हम एक तरफ से और अलग, जैसे वाटर भर जाता है, जैसे सर सीवर वगैरह होते हैं ना, उसमें भी एक तरीका होता है, जैसे उसे खोलने के बाद वाटर अंदर चला जाता है, तो हम इस तरीके से बैक साइड की तरफ एक पाइप लगाकर इस तरीके से वो करते हैं ताकि जो हमारा लेवर आउट ना हो जाए
और वो पानी इधर कलेक्ट हो जाए अलग से। फिर भी इसका एक वॉल्यूम मेथड होता है, ठीक है, उसमें इसका एरिया निकालेंगे, कितने एरिया को तो हमें कवर करना है और कितनी हमारी क्यूबिक सेंटीमीटर जहाँ रेन का बारिश का जो है निकालेंगे, और फिर हम उसके डिज़ाइन करेंगे हमारा आउटलेट कितना होना चाहिए, ठीक है ना, कुछ पढ़ लेना, ठीक है। अगर हम नॉर्मल से 200 वर्ग गज में अगर कोई मकान बना हुआ है, लगभग कितनी पोस्ट आती है, कुछ आइडिया लगाया आपने इसका? कभी सर 800 के करीब। चलो इम्प्रूव करना है इसको। आपकी ये बनाई आपने? यस सर। बहुत सुंदर राइटिंग है, आप सब लोग देखो इस बच्ची की, बहुत सुंदर राइटिंग में इसने प्रेजेंट किया है, अंदर बहुत ही खूबसूरत है। ये आपने खुद लिखा है पक्का? क्या नाम है आपका बेटा? सर सानिया। सानिया, बहुत सुंदर। वर्षा हो जाता है तो इससे बहुत सी चीज़ों को नुकसान होता है, पेड़ पौधों को, तालाब में रहने वाली मछलियों को, ऊंची बनी इमारतों को, जैसे मार्बल्स, पत्थर। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ताजमहल, जो अम्लीय वर्षा के कारण पीला हो पड़ रहा है। थैंक यू सर। येलो, यस सर। अम्लीय वर्षा प्राकृतिक रूप से ही अम्लीय होती है, जिसका मुख्य कारण है पृथ्वी के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनाती है। अम्ल वर्षा में अम्ल दो प्रकार के वायु प्रदूषण से होता है, SO2 और NO2। ये प्रदूषक प्रारंभिक रूप से कारखानों की चिमनियों, बसों व स्वचालित वाहनों के जलाने से उत्सर्जित होकर वायुमंडल में मिल जाते हैं, इसी कारण प्रदूषण होता है। यस सर, यस सर। यस, सल्फर डाइऑक्साइड, यस, ये पॉल्यूशन होते हैं। यस सर। अब ऊपर से बारिश हो रही है। यस सर। तो वो इसमें मिक्स अप होता है। यस सर। और मिक्स अप होने के बाद जो हमारे नीचे की जो भी हमारे, यस सर, जो हमारा पर्यावरण है वो दूषित हो जाता है। यस सर। इसी के हमने समाधान दिखाया है, तो इसी समाधान, जैसे अम्लीय वर्षा होगी उसको हम इसमें अंडरग्राउंड में इकट्ठा करेंगे। टैंक में अम्लीय वर्षा का पीएच मान बहुत कम होता है, तो उसको हम अम्लीय वर्षा का पीएच मान अधिक बनाएंगे, जिससे वो अम्लीय वर्षा का पानी जो शुद्ध हो सके। तो इसमें हम कैल्शियम कार्बोनेट डालेंगे, जिससे उसका पीएच मान बढ़ सके और उपयोग में लाया जा सके आगे। यस सर। यस मैम। ये टैंक बनाया है। यस मैम। तो जैसे मान लिया कारखाने वगैरह सबने बोला है, तो वहाँ से कैसे लाएंगे? ये तो सर इसलिए होता है, जैसे अम्लीय वर्षा होगी वो हम यहाँ पे कुएं में वो करेंगे इकट्ठा। मतलब बनाते हैं बारिश। चलिए घरों में से वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से आप पानी को बाहर निकाल सकते हैं। यस मान लो, ठीक है। और कुछ ऐसी जगह है कुतुब मीनार कैसे करेंगे? नहीं चलो जिज्ञासा छोड़ रहे हैं आपको, अगली बार सोच के बता दें। ठीक है। ये तो अगर अम्लीय वर्षा का जो पेश अम्लीय वर्षा जो होता है उसको हम पीने के लिए यूज़ में नहीं ला सकते। अगर हमें उसको यूज़ में लाना है तो हम, जैसे हमने कुएं में पानी इकट्ठा करा है तो इसमें हम सोडियम कार्बोनेट डाल सकते हैं, जिससे अम्लीय वर्षा का जो पीने का पानी वो शुद्ध हो जाए, फिर आगे उसको पीने के उपयोग में लाए। सोडियम कार्बोनेट जिससे हम उसको उपयोग में ला जा सकते हैं। क्या है फॉर्मूला सोडियम कार्बोनेट? अच्छा, तुमने H2SO4 लिखा है, इसका बता दो। H2SO4 सॉरी सर, ये टैंक में जैसे हमने फिर यहाँ पे प्योरीफाई हो जाएगा, तो फिर हम आगे पेड़ पौधों में होगा, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट डालकर उसका हम पीएच मान बढ़ा सकते हैं, वो तो शुद्ध हो जाएगा, तो फिर हम आगे हम पेड़ पौधों में उपयोग में ला सकते हैं। यस सर।